जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, पहले नंबर का हम टेस्ट लगाते हैं। इस क्वेश्चन कह रहे मतलब दोस्तों, इस वीडियो में आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलेगा जो आपके आपके आगामी छत्तीसगढ़ पुलिस एग्जाम के लिए अति इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अग्गा देव का निर्माण किससे किया जाता है? तो हम टेस्ट लगा रहे हैं दोस्तों, एकाध दो क्वेश्चन मेरे से गलती भी होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा भी टेस्ट है और आप सभी लोगों का टेस्ट है। आप चाहे तो इसको टेस्ट को नोट कर सकते हैं। तो पहले नंबर का टेस्ट में मैं सी को लॉक करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा सी नंबर सही हुआ। अग्गा देव का निर्माण किससे किया जाता है? तो कास्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब दोस्तों हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो पाटो विवाह की जनजाति से संबंधित है? पाटो विवाह, तो मैं इस बार फिर से नंबर पे लॉक करना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आंसर सही होता है गलत। तो जी हाँ दोस्तों, इस बार भी सी ऑप्शन सही हुआ। पाटो विवाह कोरकू जनजाति से संबंधित है। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जनजातियों की भूमि किस जिलों को कहा जाता है? तो जनजातियों का भूमि, इस बार मैं ए ऑप्शन को लॉक करना चाहता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, एकदम सही, बस्तर जिला जनजातियों की भूमि कहा जाता है। अब दोस्तों चौथे नंबर का क्वेश्चन है, रिलो गीत किस जनजाति से कहने मतलब रिलो गीत है? कभी आप ये वाला गाना सुने होंगे, ओ रिलो वो रिलो वाला। तो ये रिलो गीत अक्सर बस्तर तरफ चलाया जाता है। तो रिलो गीत की जनजाति का लोक गीत है, तो यह गोड़ जाति का हो सकता है। तो मैं चलिए ए ऑप्शन को करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ए ऑप्शन एकदम सही हुआ, गोड़ जनजाति से रिलो गीत संबंधित है। अब पाँचवें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो पाँचवें नंबर का है, पंडवानी गायक के प्रमुख कलाकार नहीं है? तो देख सकते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन सही हुआ, दिलीप सड़ंगी। ये दिलीप सड़ंगी ये लोकगीत है कलाकार है दोस्तों, ना कि पंडवानी कलाकार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए दोस्तों, हम छठे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो छठे नंबर की क्वेश्चन है, प्रेम गीत के रूप में किस गीत को माना जाता है? तो अभी दीपावली आ रहा है, तो यह गीत आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रेम गीत के रूप में किस गीत को जाना जाता है? तो ददरिया को। अब सातवें नंबर का क्वेश्चन है, जनजातियों से दुर्व्यवहार, बेगार, बंधक मजदूरी का निषेध के संबंध में किस अनुच्छेद? ये थोड़ा डिफिकल्टल क्वेश्चन है, फिर भी मैं ऑप्शन सी को करना चाहता हूँ, ये सॉरी बी को। गलत हो या सही बात की बात है। तो हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हुआ। अब आठ नंबर की क्वेश्चन है, तो सोना खान के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है? तो आपका वीर नारायण सिंह। सोना खान के विद्रोह के प्रमुख नेता आपका शहीद वीर नारायण सिंह है, ठीक है। अब नौवें नंबर की क्वेश्चन आती है, तो बैगा जनजाति विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई? ये इसका आंसर मेरे को पता नहीं है, फिर भी मैं ऑप्शन डी को लॉक करना चाहता हूँ। तो गलत हो गया, देखिए इसका ऑप्शन ए सही है, 2 सितंबर 2009। और मैंने लॉक किया था डी नंबर को, तो मेरा गलत हो गया। अब दसवें नंबर की क्वेश्चन, ये लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, तो छत्तीसगढ़ में नए फसल आने की खुशी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो नवा खाई, आमा खाई, गोंचा पर्व, मंडई। तो ये भी क्वेश्चन मेरे को पता नहीं है, फिर भी मैं नवा खाई को करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल सही हुआ। तो आशा करता हूँ दोस्तों, यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें।